हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज हम बनाने जा रहे हैं सवैया, और ये दूध वाले सवैया आपको हम बनाना सिखाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं सिंपल तरीका बता दूँ तो आप आसानी से घर में बैठ के ही बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, दूध यानी कि मिल्क, और इसे हम ऐड करेंगे। तो इसे अब हम नीचे चूल्हा जलाएँगे, जो कि हमें पहले भी जला लेना चाहिए था। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें सवैया ऐड करेंगे। तो जनाब ये देखिए, हमारी अच्छे तरीके से ये दूध गर्म हो चुका है। हम इसे अच्छे तरीके से इस तरह से फेंट लेंगे। तो इसमें हम अब शुगर ऐड करेंगे, अपने हिसाब से जाकर लेनी है। जितनी आपको चीनी पसंद है, ज़्यादा तेज़ पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, तो उसके मुताबिक आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर लोगे, अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद आप इसमें सवैया ऐड करोगे। तो अब इसे हम थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें सवैया ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे पकने देंगे। देखिए अब अच्छे तरीके से दूध भी गाढ़ा हो गया थोड़ा सा, और इसमें हम अब सवैया ऐड करेंगे। इसे अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसे आप अच्छे तरीके से हमने हिलाते रहना है, और थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देना ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और पक जाए।
गाइज़ ये देखिए आपको अच्छी तरीके से कितनी प्यारी ये सेवैया नज़र आना शुरू हो गई हैं ऊपर ब्राउन सी, और ये प्यारी लग रही है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे तो जिसकी वजह से ये जो गाढ़ा हो जाता है और सेवैया दूध का सारा पी लेती हैं तो ज़्यादा ही खुश्क हो जाता है, तो इस वजह से इसमें ये थोड़ा सा पतला रखने के लिए और नरम रखने के लिए हम इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना ऐड कर लें। तो इसमें वैसे बहुत ही कम पानी ऐड करते हैं और अच्छी तरीके से इसे हमने ये पक चुकी हैं तकरीबन, थोड़ी देर बस और रखेंगे चूल्हे के ऊपर और फिर हम इसमें इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई और रेसिपी भी चाहिए जो आसान अब बनाना सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।